नमस्कार, मैं हूँ रेखा पवार। मेरा चैनल चटपटा खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसा सिंघदाना, जो कि हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। घर पर हम इसे नमक में सेक करके बनाएंगे। तो आइए जल्दी से हम खारी सिंघदाना बनाना शुरू करते हैं। खारी सिंघदाना बनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं खारी सिंघदाना। खारी सिंघदाना बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं और नमक लिया है, जिससे हम सेकेंगे दानों को। सबसे पहले हम इन दानों को एक बाउल में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से पिला लेंगे, ताकि ये दाने नमक को सोख ले। इस तरह से हम पानी डाल करके और नमक डाल करके इसको इस तरह से 10 से 15 मिनट तक हम इसको ढक करके रख देंगे। बीच में दो तीन बार हम इन दानों को चम्मच से हिला लेंगे, ताकि नमक का पानी सारे दानों पर आ जाए। ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमको। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इन दानों में से पानी निकाल लेते हैं। एक छन्नी में इन दानों को निकाल लेंगे, ताकि सारा पानी निकल जाए, और 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रखेंगे। इधर नमक हमने मोटे पिंदे वाली कढ़ाई में निकाल लिया है। हम नमक को गरम रखते हैं, गैस ऑन कर देंगे और नमक गरम होने देंगे, तब तक दानों में से पानी निकल जाएगा। नमक अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम इसमें दाने डाल देंगे। हम इसको सेकेंगे। दाने डालने के एक मिनट बाद हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। इन दानों को सेकते हुए हमको करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दानों का कलर चेंज हो गया है और इनके छिलके भी निकलने लगे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। दाने अच्छी तरह से सीख चुके हैं, अब हम इन दानों को छान लेंगे एक चम्मच से छन्नी में। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये दाने अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इनके छिलके भी अच्छे से निकल रहे हैं, ये देखिए। लीजिए, खारी सिंघदाना बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल चटपटा खाना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।